हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेज मैं हूँ आपके एजुकेटर नेहा सैनी तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ट्वेंटी वन से ठीक है इससे पहले मैं ऑलरेडी वन टू ट्वेंटी क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुकी हूँ नॉलेज एंड करिकुलम के ठीक है प्रीवियस ईयर इसी वाला जो पेपर है इसके जो ट्वेंटी क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी मैं पार्ट वन के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ और क्वेश्चन तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट है इसमें ट्वेंटी वन क्वेश्चन जो है वो है प्रेगमेंटिज्म एम्फिसिस ऑन यानी कि प्रेगमेंटिज्म जो है वो एम्फेसिस करता है किस पर एम्फिस करता है प्रेगमेंटिज्म एम्फिस करता है चेंजेबल ट्रूथ पर ठीक है यानी कि किस पे एम्फिस करता है चेंजेबल ट्रूथ पर सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है करिकुलम इज़ ए वर्ड ऑफ यानी कि करिकुलम जो है वो, वो एक वर्ड है कहाँ से आया है किस भाषा से आया है तो करिकुलम जो है वो किस से आया है वो लेक लैटिन वर्ड है ठीक है लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से आया है जिसका मतलब क्या होता है द रेस कोर्स ठीक है नेक्स्ट है द मिरर ऑफ सोसाइटी इज मिरर ऑफ सोसाइटी क्या है तो मिररर है, जो है सोसाइटी का वो क्या है स्कूल है द मिरर ऑफ सोसाइटी इज स्कूल ठीक है सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन लोकेटेड यानी कि सर अरबिंदो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है तो ये जो आपका शिक्षा केंद्र है ये पर स्थित है ये स्थित है पौंडीचेरी में ठीक है कहाँ पर स्थित है पौंडीचेरी में द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड एक सेकेंड रुकी बस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यस ट्वेंटी फोर क्वेश्चन हो चुका है अब आते हैं ट्वेंटी फाइव पे तो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में क्या बोला गया है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच एम्फेसिस मोर ऑन द टीचर यानि कि कौन सी ऐसी ब्रांच है फिलोसफी की जो एम्फेसिस करती है मोर ऑन टीचर्स पे तो टीचर्स पे जो एम्फिस करती है वो ब्रांच है फलोसफी की जिसको हम कहते हैं आइडियलिज्म ठीक है आइडियल्स पे एम्फेसिस करती है यानी कि किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करती है टीचर्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करती है ये नेक्स्ट है विच टीचिंग मैथड वॉज इवोल्व बाय नेचुरलिज्म नेचुरलिज्म से कौन सा टीचिंग मैथड आया है तो नेचुरलिज्म से टीचिंग मैथड जो आया है वो है प्ले वे मैथड यानी कि बच्चे जो है वो खेल खेल में सीखे नेक्स्ट है इन इंडियन एजुकेशन द करिकुलम इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय यानि कि इंडियन एजुकेशन जो है उसमें जो करिकुलम है वो मोस्टली किससे इन्फ्लुएंस होता है तो इंडियन एजुकेशन में जो करिकुलम है मोस्टली इन्फ्लुएंस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से यानी कि संवैधानिक प्रोविज़न से मोस्टली क्या होता है इन्फ्लुएंस होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियन एजुकेशन करिकुलम ठीक है सो दि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज यानी कि बैलेंस्ड करिकुलम को हम क्या कहते हैं बैलेंस करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज कोर करिकुलम क्या बोलते हैं हम उसको कोर करिकुलम बोलते हैं यानी कि बैलेंस्ड करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज कोर करिकुलम तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन करेक्टरस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इज़ यानी कि मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है एजुकेशन के तो जो मेन करेक्टरस्टिक्स है एजुकेशन के वो क्या है करैक्टर डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट ये सभी क्या है इसके मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं नेक्स्ट है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग स्कूल शुड बी डेवलप ए हारमोनी एडजस्टमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए स्कूल्स की स्कूल शुड डेवलप ए हारमोनी एडजस्टमेंट विद विच ऑफ़ द फॉलोइंग किसके साथ वो हारमोनी या एडजस्टमेंट रखेगा इनमें से पेरेंट्स के साथ सोशल वर्कर के साथ पॉलिटिशियन या सोसाइटी के साथ तो अब फंक्शनिंग ऑफ स्कूल के लिए उसे किसके साथ एडजस्टमेंट या हारमनी रखनी पड़ेगी उसे रखनी पड़ेगी पेरेंट्स के साथ ठीक है सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हुज़ एजुकेशनल थाट वर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदांत यानी कि किसके एजुकेशनल थाट जो है मोस्टली इन्फ्लुएंस है वेदांत से तो वेदांत से वी से आप यार रख सकते हैं विवेकानंद जी का नाम ठीक है विवेकानंद से विवेकानंद जी के जितने भी थॉट्स थे वो इन्फ्लुएंस है किससे वेदांत से ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्स्टिकल या हर्डल इज़ नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑब्स्टिकल या हर्डल है नेशनल इंटीग्रेशन में तो इसके अंदर कास्टिज्म लिंग्विज़म रीजनलिज्म ये सभी क्या हैं आपके हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स हैं नेशनल इंटीग्रेशन के लिए सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन यानी कि इनमें से कौन सी जो है वो एक एक्टिव एजेंसी है एजुकेशन की तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्टिव एजेंसी जो होगी यहाँ पे वो क्या है आपकी फैमिली है ठीक है क्या है वो फैमिली है एक्टिव एजेंसी जो है यहाँ पे एजुकेशन की वो क्या है फैमिली है दी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन ये इनफॉर्मेशन एजुकेशन लिखा गया है यहाँ पे क्या आएगा इनफॉर्मल एजुकेशन ठीक है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जो होती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड आर डिस्क्राइब इन स्कूल रिकॉर्ड्स यानी कि कौन से किस तरह के रिकॉर्ड जो हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं स्कूल रिकॉर्ड्स में तो स्कूल रिकॉर्ड्स में जो आपके बेसिकली uh, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कम्बलेटिव रिकॉर्ड्स कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं कम्बलेटि रिकॉर्ड्स क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आप सारा फाइनेंशियल डाटा रखते हैं मैनेजमेंट रिकॉर्ड में सारा मैनेजमेंट का डाटा रहता है ठीक है और कम्बलेटिव रिकॉर्ड्स में सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा डाटा रहता है ठीक है तो कमलेटिव रिकॉर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड इन स्कूल रिकॉर्ड्स ठीक है so, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका आंसर होना चाहिए ये वाला ठीक है अगर इसका आंसर आपकी यूनिवर्सिटी ने कुछ और दिया है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होना चाहिए ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अब ये जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है तो जब कल जे जिस के एग्ज़ाम्स हैं उन सब ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़िए एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए उसमें सेम से क्यू से निकाल लिए जिस भी बुक से या नोट से आप पढ़ रहे हैं ठीक है और अच्छे से अपना जो एग्ज़ाम है वो दे के आइए सो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आई होप यू लाइक इट इफ़ यू लाइक यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय एवरी वन थैंक्स फॉर जॉइनिंग